नवंबर 2013 में पीटीआई जैसे नामचीन एजेंसी एवं उदाहरण के रूप में बिजनेस टुडे नामक एक पत्रिका में सीबीआई के एक केस के संदर्भ में खबर छपी। उस खबर के अनुसार एसबीआई के एक अफसर के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, चूंकि लोन डिसबर्सल में ब्राइबरी का चार्ज उन पर था। जिस संदिग्ध व्यक्ति का उल्लेख इस न्यूज के संदर्भ में प्रकाशित हुआ वो वर्ल्ड्स विंडो ग्रुप के चेयरपर्सन पीयूष गोयल थे। साउथ अफ्रीका की एक ऑनलाइन न्यूज साइट ने जिसका नाम है डेली मैवरिक और एक नॉन प्रॉफिट जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म साउथ अफ्रीका में करता है, आमा भुनगाने, इन्होंने एक स्टोरी के संदर्भ में इसी व्यक्ति पीयूष गोयल का उल्लेख किया और अपनी स्टोरी में यह लिखा कि यह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में लिप्त पाया गया है, कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई यूपीए की सरकार के दौरान ब्राइबरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिस व्यक्ति के बारे में साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट मनी लॉन्डरिंग जैसे चार्जेस अपने आर्टिकल्स के माध्यम से मढ़ रहे थे, उसी व्यक्ति से सिबल साहब और उनकी धर्मपत्नी ने ग्रैंड कैस्टेलो नाम की एक कंपनी का मालिकाना हक प्राप्त किया। आज एक मंत्री कार्यकर्ता के रूप में आई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं सोच रहा था कि आज जो हमारे बच्चे जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके पेपर लीक हो गए, जिनके इम्तिहान कैंसिल हो गए, आज शायद वो उनके बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन लगता है कि ये कार्यकर्ता भाजपा और ये मंत्री उनके बारे में चिंतित नहीं है। बच्चे दोबारा इम्तिहान देंगे तो देंगे। दुख की बात है कि इस देश में कभी तो टेस्ट पेपर इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के लीक हो जाते हैं, वो भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मैं भी मंत्री रहा। फिर इलेक्शन कमीशन की बात करो तो वहां इलेक्शन का डेट लीक हो जाता है और आधार की बात करो तो वो भी डेटा लीक हो जाता है। लेकिन जब अपनी डिग्री की सुरक्षा करनी हो वो लीक नहीं होती। जिस मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन ही नहीं मालूम वो आज आरोप लगा रही है, हाँ मैंने कंपनी खरीदी। कोई इतराज है किसी को? पैसे दिए, अपनी कमाई से दिए,
आपको थोड़ा बहुत मैं भी कमा लेता हूं, टैक्स पेड मनी दी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की अप टू डेट है, कंपनी रिटर्न फाइल की अप टू डेट है, आरओसी के रिकॉर्ड में सारे तथ्य हैं, वो तो उन्होंने देखे नहीं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर मैंने क्या गलत किया है, ये पूछा कि राहुल जी क्या क्या कहना है। अरे अगर आपको कोई शिकायत है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है उससे जाकर पूछो।